अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल की मंगोची। और इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल चने की दाल को भिगो लिया है करीबन 2-3 घंटे। और अब हम इसको एक मिक्सी की हेल्प से बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा पानी हमें यूज़ नहीं करना पेस्ट बनाते वक्त, थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के, जिससे कि हमारी जो दाल अच्छे से पिस जाए। और हमने इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें अपने कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है कुछ ग्रीन चिलीज़, एक अनियन और कोरिएंडर लीव्स, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है एकदम। और इसको, इन सभी को हम अपने चने की दाल में अच्छे से डालकर, आप ग्रीन चिलीज़ को कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मुझे अच्छे से स्पाइसी और एकदम चटपटी मंगोची बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है यहाँ पे रेड चिली और ज़ीरा पेस्ट। ये भी मैंने मिक्सी में बनाया है और 5 या 6 के करीब मैंने इसमें रेड चिली का यूज़ किया है। और ये भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मसाले डालेंगे, तभी हमारी जो मंगोची है वो बिल्कुल टेस्टी एकदम बनेंगी। और इसी के साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको लेना है यहाँ पर। आप यहाँ पर सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। उसी के साथ मैंने 1 पिंच टर्मेरिक का यूज़ किया है, हल्दी, जिससे कि हमारा जो कलर है वो हल्का सा येलो रहे। और उसी के साथ ही मैंने गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून लिया है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को। और इसको हमने अच्छे से कर लिया है बिल्कुल मिक्स। और ये मैंने इस तरह की प्लेट ली है, आपके पास इस तरह की प्लेट ना हो तो आप कोई भी छलनी का यूज़ कर सकते हैं जो स्टील की हो। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ऑयल लगाया है, जिससे कि हमारी जो मंगोची है चिपके ना। और हमने इतना पानी लिया है कढ़ाई में, जिससे कि जो हमारी मंगोची है उस तक हमारा पानी ना आए। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल हमें इतना वाटर का यूज़ करना है। और सबसे अच्छी यही है कि आप इस तरीके से मंगोची बनाएं तो आपकी मंगोची बहुत ही अच्छी और जल्दी बनकर तैयार। इस पर डाल दिया है और अब मैंने इसको कम से कम 15 मिनट के बाद खोलना है। और गैस को मैंने कर दिया है बिल्कुल मीडियम, ना आपको लो करना है ज़्यादा ना ही हाई। और उसी के साथ ही ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो मंगोची हैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। आप हाथ से टच करके उसको देख सकते हैं तोड़कर, या फिर आप खा के देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो मंगोची है वो रेडी हुई या नहीं हुई। और हम इसको ठंडा होने के बाद अपनी सब्ज़ी में यूज़ करेंगे। आप चाहे तो इनको ऐसे ही खा सकते हैं। और मैंने यहाँ पर लिया है मस्टर्ड ऑयल, और ये मैंने लिए हैं कुछ मसाले, जिसमें काली मिर्च, लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और ज़ीरा है। और उसी के साथ ही मैंने यहाँ पर प्याज और लहसुन का पेस्ट लिया है, अनियन और गार्लिक का। ये मैंने इसमें 10 से 12 के करीब लहसुन की कलियाँ और 1 अनियन का यूज़ किया है। और हमें इनको 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। ये 1 स्पून के करीब है हमारा रेड चिल्ली, और 1.5 या 2 के करीब आप यहाँ पे कोरिएंडर ले सकते हैं, और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये हमारे कुछ ग्रीन चिल्लीज़ हैं, जिनको मैंने ऐसे ही रफली काट लिया है। और ये हमारे हैं टमाटोज़,
और अब हमको इन्हें अच्छे से भूनना है। और उसी के साथ ही हमारी जो मंगोची हैं बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं, और ठंडी होने के साथ ही थोड़ी टाइट और अच्छी भी हो चुकी हैं। अब हमने इसमें मसाला हमारा भून चुका है, और इसी में हम अपनी जो सारी मंगोचियाँ हैं वो डाल देंगे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ये एक या डेढ़ बाउल का वाटर का यूज़ किया है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए 10 मिनट्स हमें मीडियम आंच पर पकाना है, और हमारी जो मंगोची हैं एकदम बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अगर मंगोचियाँ बनाओगे तो आपकी मंगोची सब खाते रह जाएंगे, और एकदम टेस्टी और लाजवाब हमारी मंगोची बनकर तैयार होंगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो फ्रेंड्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, टेक केयर।